नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। शनिवार सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच बड़ा हादसा हुआ। एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए। मिराज में एक और सुखोई में दो पायलट सवार थे। इनमें से एक पायलट की मौत हो गई। अभी यह साफ नहीं है कि यह पायलट किस एयरक्राफ्ट का था। हालांकि एयरफोर्स ने मौत की पुष्टि नहीं की है। एयरफोर्स ने बताया कि दोनों ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। एक पायलट की हालत गंभीर है। अब तक की जानकारी के मुताबिक टकराने के बाद दोनों विमानों के दो अलग अलग जगहों पर गिरने की आशंका है। एक प्लेन मध्य प्रदेश के मुरैना में पहाड़गढ़ में और दूसरे के राजस्थान के भरतपुर के पिंगोड़े में गिरने की बात कही जा रही है। सूचना के मुताबिक मुरैना के मिराज और भरतपुर के सुखोई गिरा है। पहले मुरैना ने सुखोई और भरतपुर में मिराज गिरने की बात कही जा रही थी। हादसे में क्रैश हुए दोनों फाइटर जेट ने ग्वालियर एयरबेस की उड़ान भरी थी। मुरैना कलेक्टर ने कहा, दो पायलट को बचा लिया। मुरैना एसपी आशुतोष बगारी ने बताया कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के वायुसेना के दो विमानों के टेक ऑफ करने की जानकारी मिली थी। इनमें से एक पहाड़गढ़ में क्रैश हुआ है। हम दूसरे विमान की सर्चिंग कर रहे हैं। इधर मुरैना कलेक्टर अंकित आस्थाना का दावा है कि दो पायलट को बचा लिया गया है। उनकी तस्वीरें भी आ रही है, लेकिन मौके से मिली तस्वीरें से कुछ ऐसा भी है जिसमें किसी के मौत का भी आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में भरतपुर के डीएसपी अजय शर्मा ने बताया कि हमें सुबह 10 से 10:15 बजे के करीब प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली थी। मौके पर आने पर पता चला कि यह एयरफोर्स का फाइटर जेट है। हालांकि मलबे को देखकर अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह कौन सा फाइटर प्लेन है। अभी तक इसके पायलट के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। पहाड़गढ़ में हादसे की जगह से एक पायलट एक हाथ मिला। मुरैना में गिरे सुखोई में सवार दोनों पायलट घायल है। उन्हें ग्वालियर में भर्ती कराया गया है। मुरैना के पहाड़गढ़ में हादसे की जगह एक पायलट का एक हाथ भी मिला है। आशंका है कि यह हाथ भरतपुर में गिरे मिराज एयरक्राफ्ट के पायलट का हो सकता है। मुरैना एसपी आशुतोष बघारी ने बताया कि ह्यूमन बॉडी का यह पार्ट किसका है इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मुरैना में पहाड़गढ़ में हादसे में जगह से एक पायलट का एक हाथ भी मिला है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे लोग भरतपुर में एयरफोर्स की टीम पहुंच गई है। घटना स्थल से कोई भी पायलट नहीं मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट प्लेन इजेक्ट कर गए होंगे। इनकी तलाश की जा रही है।